दोस्तों यहाँ ट्रेन जा रही है, देखिए रेलवे लाइन से ट्रेन जा रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, बढ़िया यहाँ का फेमस छोला और समोसा आप लोगों को दिखाते हैं अभी कैसा है। चलिए अभी दिखाते हैं कैसा है। ये है हम लोग का मंदिर, इधर FCI का माल गोदाम है, देख लीजिए बन रहा है, उस दिन रात में नहीं दिख रहा था, बस थोड़ा दूर और है, पहुँचने ही वाले हैं। देखिए अगर किस्मत में होगा तो मिलेगा, उसके यहाँ जल्दी मिलता नहीं है, बाहर बंद हो जाता है कभी कभी, कभी कभी तो खत्म हो जाता है, इतना उसका फेमस है, बन रहा है, मिल जाएगा। गाइस किस्मत अच्छी है, दुकान खुली हुई है, देख लीजिए यही छोटी सी दुकान है झोपड़ी। देखिए गर्मा गर्म समोसा और चटनी। दोस्तों चाय भी आ गया। नमक पारा भी गरम गरम आ चुका है। दोस्तों खाने के नाश्ता पानी हो गया, एकदम पेट टाइट हो गया, मजा आया था खाने में, बहुत अच्छा था। कैसा था टेस्ट? बहुत बढ़िया लगा, सब गरम गरम मिला है, बढ़िया खाने में तगड़ा मजा आया, चल रहे घर पे। दोस्तों घर आ चुके हैं अपने, हम लोग को गांव के अंदर नहीं जाना पड़ता है, एकदम रोड पे ही घर। ये देखिए हमारा बल्लू पूछ हिला रहा है। हेलो, फर्स्ट बल्लू को देख के सेकंड बल्लू खुश हो जाता है। क्या है उसको भी दो, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। बल्लू बंदर, बंदर बंदर। दोस्तों देखिए हमारे पिताश्री और छोटे बाबा जी बैठे हैं, धूप ले रहे हैं बढ़िया। दोस्तों देखिए मेरा बल्लू जो है ये समोसा खा रहा है, देखिए अभी समोसा कैसे खाएगा। बल्लू लो, अभी तक इंसान समोसा खाते थे, कुत्ते भी समोसा खा रहे हैं। बढ़िया, चल रहे हैं अपने खेत में, बाहर है, दिखाते हैं चल के खेत आपको। वो देखिए पापा और वो पेटोली जा रहे हैं, ये देखिए पूरा खेत का रास्ता है, बहुत ही खराब रास्ता, ऊपर खाबड़ खेत में से जाना पड़ता है। पहुंच चुके हैं खेत में, देखिए यहाँ पर कोई जानवर का पंजे का निशान है, बड़ेला सुअर उअर होगा, एक बड़ेला सुअर आगे जा रहा है। यहाँ पे एकदम रेलवे लाइन के किनारे हम लोग का खेत है, यहाँ पे पहले हम लोग छोटे थे तो डरते थे आने में, भूत प्रेत की बात की जाती थी, बताते थे कि यहाँ भूत है मत जाया करो अकेले, तो हम लोग बहुत डरते थे जाने में। ये देखिए ये हमारा ही खेत है गेहूं का,
इधर गेहूं बोया हुआ है, उधर सरसों है, वो भी हमारा ही है। और वो सामने रेलवे लाइन है, उधर रोड है पूरा, और इधर टावर दिख रहा है, वहाँ से हम लोग का घर भी दिख रहा होगा हल्का सा। तो अब वहाँ से चल के थोड़ा और आगे आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको दूसरा खेत हम लोग का यहाँ पे है। इसमें गेहूँ बोया हुआ है, मैं गेहूँ बोया है। क्या है उधर है, आगे चल के थोड़ा। गाइस पहुँच चुके हैं अपने दूसरे वाले खेत में, ये है देखिए, ये पूरा सरसों गेहूँ का खेत है। गेहूँ बोया हुआ है, बगल में रेलवे लाइन है। दोस्तों यहाँ ट्रेन जा रही है, देखिए रेलवे लाइन से ट्रेन जा रही है। दोस्तों खेत वेत देख लिए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, सड़क पर चलते हैं। इस पे चलना बहुत खतरनाक है, मेड़ी पे सब पैर एकदम सरक जा रहा है। दोस्तों दूसरी ट्रेन भी आ चुकी है, देख लीजिए, देखो संभाल के। दोस्तों ट्रेन आ गई है, देखिए दूसरी ट्रेन। बाय करिए, बाय। दोस्तों चल रहे हैं घर की तरफ, अब देखिए बाइक उधर खड़ी है, हम निकलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं और क्या है आप लोगों को दिखाने लायक, माहौल दिखाएंगे। बहुत खराब रास्ता है भाई, गांव। दोस्तों घर आ चुके हैं हम लोग खेत देख के, अब आगे का क्या करना है? अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी देखते हैं क्या होगा। शाम को बाजार चलना है, मार्केट चलना करेगा, चला गया। चलिए ठीक है, शाम को मार्केट चलेंगे तो आप लोगों को दिखाते हो। गाइस यहाँ पे कौड़ा जला रहा है, तब से कौड़ा नहीं जला पा रहा है, बताइए। ये जो है पन्नी जला जला के कौड़ा जलाता है, डीजल रखा है लेकिन नहीं लाता है, ना कंजूस होगा भाई, बहुत ही महंगा डीजल है, क्या कर सकते हैं। अरे तो पन्नी से तुमको कैंसर भी हो सकता है। अरे वो ठीक है, हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा तब डीजल से भी ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, डीजल अभी बहुत महंगा है। डीजल महंगा नहीं है, पन्नी जलाना कानूनी अपराध है। पन्नी बंद करवाओ, पन्नी तो बंद चलाने के लिए पन्नी बनी है, काहे नहीं बनी है, बोल बक करते हो क्या? ये देखिए गाइस, ये कटप्पा है हमारे गांव का, कटप्पा नहीं ये है सुखा, जानलेवा वायरस। ए चलो यार, वो नाम सुखा। ये देखिए गाइस जानलेवा वायरस। अबे हमको काहे बोल रहे हो, बहुत ही तेज आग जल चुका है, देखिए एकदम भग 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 जल रहा। दोस्तों मार्केट से निकल चुके हैं, मार्केट आए थे, सामान वामान ले लिए, चल रहे हैं घर की तरफ। ये लोग खाने आए हैं भैया। दोस्तों पनीर चिली बन गया है, देखिए कितना शानदार, गर्मा गर्म। तो गाइस आलू का पराठा की तैयारी हो चुकी है, चावल फ्राई हो चुका है। अच्छा ये मतलब जहाँ लीची एक पड़ा हुआ उनके पक्ष हुआ था, वो तो बना हुआ जमीन है ना। तो यहाँ खाना शुरू हो गया है, खाना खाना देख लीजिए, आलू पराठा सेवई। बस सेम वही हाल चल रहा है, ये भी चल रहा है भी। दोस्तों खाना पीना हो चुका है, अब हम लोग चल रहे हैं सोने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आने तक हम लोगों के साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा।
अगला ब्लॉग जब करेंगे फिर से, अगला ब्लॉग आएगा देखिए कल परसों में फिर, तब तक के लिए बाय टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय श्री राम।